हमारा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे आपका मन नहीं, मुझे पता था आप नहीं खाएंगे, इसीलिए मैंने आभा को बोला था कि मैं उसे फोन करूंगा। आप आभा से ही बात कीजिए। नहीं, पापा का फोन है। हेलो आभा, तुमने इतने प्यार से गुलाब जामुन बना के भेजे और पिताजी ने एक पीस भी नहीं खाया। तुम ही बात करो, आप बात कीजिए। हाँ बेटा। पिताजी, अभी के अभी आप गुलाब जामुन चखिए और बताइए माँ के हाथ का स्वाद है या नहीं। अभी ठीक है, होल्ड करो। किस खुशी में अपना मुंह मीठा कर रहे हैं पिताजी? हमारे होने वाले बच्चे की मौत की खुशी में? ये क्या बकवास कर रहे हैं प्रकाश भैया? हम ठीक कह रहे हैं करण। ये जो यहाँ पर आराम से मुंह मीठा कर रहे हैं ना, आज इनकी ही वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। शट अप प्रकाश भैया, क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा मुझसे क्यों छीन लिया? अरे इन ठाकुरों को क्या पता कि एक प्रेग्नेंट औरत के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। औरतों पर जुल्म करना तो इनकी शान है, जंगली कहीं के। बस तुम्हें करण, हाथ उठाने की गलती मत करना। और ये हमारा घरेलू मामला है, बेहतर यही होगा तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ। कौन होते हो तुम? हमारे दामाद को इस घर से जाने के लिए कहने वाले? इस घर के मालिक। ये घर मैंने खरीद लिया है। मामा क्या था? अब ये घर हमारा है। एहसान फरामोश, जिस इंसान ने तुझे सर छिपाने के लिए छत दी, उसी के सर से छत छीन रहा है तू। गिरी हुई नीच हरकत है ये, बहुत ही गलत है ये बेटा। सही और गलत क्या है ये आप हमें मत समझाइए। इसका मतलब बहू ने जब ये घर अपने नाम करवाया, तुझे ये पता था? सब कुछ मालूम था। और अब ये घर हमारा है। और जो आपने आज ये हरकत की है ना, इसके बाद हम आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। इस घर में हमारी कोई जगह नहीं है। हम भी यहां एक पल
नहीं रुकना चाहते हैं। पिताजी आप प्रकाश भैया क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या आप कुछ कहिए? करण, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें दखल मत दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और तेरा भी। अच्छा ही हुआ कनिका कि तुम मां नहीं बनी। ये तुम क्या बोल रही हो? सच कह रहे हैं हम, क्योंकि आपकी औलाद भी यकीनन आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती जैसा आपने आज पिताजी के साथ किया। पिताजी को हमारी जरूरत, हमने पावनी को दवाई खिला दी, उसे चला दीजिएगा। हाँ हम आते हैं। इतनी जल्दी में कहाँ चले गए? चलिए, नहीं रहेंगे आप यहाँ, चलिए। चिंता क्यों करते हैं ठाकुर साहब, हम हमेशा आपके साथ हैं। पिताजी चलिए। आप मेरे साथ स्वर्ण भवन चलिए, आज से आप वहीं रहेंगे हमारे साथ। करण बेटा, तुमने इतना कह दिया ना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन बेटी के घर में रहकर हम अपनी आत्मा पर और बोझ नहीं बढ़ाना चाहते, और ना ही दुनिया वालों को ये मौका देना चाहते हैं कि वो बातें बनाए। पिताजी, बेटा दामाद हो तुम हमारे, तुम्हें बार बार यूं इनकार करें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ना कर, हमारे
हमारे एक मित्र हैं, बहुत बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। कुछ दिन उनके पास रहेंगे और फिर हम अपना खुद का इंतजाम कर लेंगे। कुछ नहीं पिताजी, बेटा हमने कह दिया ना। आइए, आपको वहां तक छोड़ा था। अच्छा ही हुआ कनिका कि तुम मां नहीं बनी। अब ये तुम क्या बोल रही हो? सच कह रहे हैं हम, क्योंकि आपकी औलाद भी यकीनन आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती जैसा आपने आज पिताजी के साथ किया। नमस्ते, आइए आइए। कब से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। उदय, ऐसा समझो कि ये घर तुम्हारा ही है। मेरे बुरे वक्त में तुमने कितनी मदद की थी, मैं वो सब आज तक नहीं भुला पाया। आओ पिताजी। करण बेटा, हमारी चिंता मत करना, हम यहाँ ठीक रहेंगे। तुम जाओ करण, और एक बात करण, आभा से ये जो कुछ भी हुआ इसके बारे में कुछ मत कहना। ध्यान रखिएगा। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आइए। हमारा बच्चा नीरा प्रकाश, कितने खुश थे हम लोगों से भागकर। मेरा मां बनने का सपना चूर चूर हो गया, सब खत्म हो गया प्रकाश, सब खत्म हो गया। अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ कनिका कि तुम मां नहीं बनी। अबा, ये तुम क्या बोल रही हो? सच कह रहे हैं हम, क्योंकि आपकी औलाद भी यकीनन आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती जैसा आपने आज पिताजी के साथ किया। एक बार सोचा भी नहीं कि वो कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। हमने उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला, ये उनका खुद का फैसला था। और तुम उनकी गलती का दोष हमें क्यों दे रही हो? उनकी गलती भैया, बचपन में तो वो आपका एक खिलौना भी नहीं टूटने देते थे। वो आपसे आपकी इतनी बड़ी खुशी छीनेंगे, ये सोचा भी कैसे आपने भैया। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आपने उन पर। तो क्या कहना चाहती हो तुम? ये सब मैंने जानबूझकर किया है, अपने बच्चे की जान ली है मैंने। हम नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि पिताजी के लिए उनके बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। हम नहीं भैया, यकीन नहीं हो रहा, आप हमारे वही प्रकाश भैया हैं जो पिताजी की छोटी सी छोटी बात भी टाल नहीं पाते थे। हमारी एक उफ पर सारा घर सर पर उठा देते थे भैया। कैसे ये आपने कैसे किया भैया, कैसे? और सुनाओ, हालचाल कैसे है? चाय पानी कुछ लोगे? नहीं, अभी नहीं। बहू। हाँ जी बाबूजी। बेटा जरा यहाँ तो आना। एक मिनट। हाँ कहिए बाबूजी। बहू, ये मेरे मित्र है ठाकुर उदय प्रताप सिंह। नमस्कार जी, और कैसे हैं जी? ये यही रहेंगे आज से। ओह, अच्छी बात है। बाबूजी आप जरा सा अंदर आइए और चाय नाश्ता अभी भिजवाती हूँ। मैं अभी आया। आप इस घर को धर्मशाला समझ रखे हैं क्या? अरे महंगाई इतनी बढ़ गई, हाँ ना आप कुछ कमाते हैं ना ही अपने बेटे को कहीं और काम करे जाने देते हैं।
आपकी दवा दारू का खर्चा कुछ कम रह गया क्या जो आपने अपने दोस्तों यहाँ बुला लाए? पिताजी कहाँ हैं? पिताजी हैं आपके साथ? पिताजी नहीं है, पिताजी को मैं एक फ्रेंड के यहाँ छोड़ के आया, वो बहुत जिद कर रहे थे आभा। हमारे होते हुए आप किसी और के यहाँ छोड़ कर? आभा मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो स्वर्ण भवन आने को तैयार ही नहीं। नहीं करण, हम पिताजी को अकेले नहीं छोड़ सकते, आप हमारे साथ चलिए, हम उन्हें मनाएंगे। एक मिनट, शैली भाभी का फोन है। हाँ भाभी। आभा है तुम्हारे साथ? उससे कहो ना कि पावनी बहुत रो रही है, जल्दी से घर आ जाए प्लीज। हाँ है, मैं उसे घर भेजता हूँ। ठीक है, तुम घर जाओ, पावनी बहुत रो रही है, मैं पिताजी को लेकर आता हूँ। पिताजी, मैं ले आऊंगा उन्हें, ट्रस्ट मी। पिताजी को वापस लेकर आइए। कोर्स, जाओ। अरे इसमें कौन सी गोली लेनी है? बहू, मुझे कौन सी दवा लेनी है इसमें से? अंकल जी। कौन है भाई? अंकल जी मैं करण, ठाकुर साहब का दामाद, अभी अभी उनको आपके पास छोड़ के गया था। कहाँ है वो? वो आए तो थे, मैं जरा देर के लिए अंदर चला गया, बाहर आया तो देखा वो कहीं चले गए। चले गए मतलब? बिना बताए पता नहीं कहाँ गए। पिताजी कहाँ चले गए? पिताजी को ढूंढना ही होगा। पापा को क्या जवाब दूंगा? सो रही हमारे कमरे में है, तुम चिंता मत करो। पापा, पिताजी पता नहीं कहाँ चले गए। ठाकुर साहब मिल जाएंगे, मेरी परवरिश ही गलत थी जो कनिका इतनी बिगड़ गई। पापा आप एक बार करण को फोन करके पूछे ना, मुझे पिताजी मिलेंगे। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं कनिका से बात करूंगी और फिर तुम हो ना बेटा, तुम सब मेरे ही बच्चे और मैं अपने किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। और अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। कितनी बार समझाया है, नंगे फर्श पर न बैठिए न सर रखिए। आप तो चली गई हैं चंद्रप्रभा, अब तो इस शरीर को हर किस्म की तकलीफ सहने के अंदर डालनी पड़ेगी। आपके साथ तो संघर्ष में भी खुशी मिलती थी, अब ना जाने अकेले
अकेले ये जीवन कैसे कटेगा? तुम अपनी माँ की सबसे बहादुर बेटी हो ना, चली हम तुम आभा के साथ रहो, मैं पावनी को देख कर आती हूँ। जी आभा, परेशान नहीं होना, बहुत चिंता हो रही है हमें बाबा। आज दिवाली है और रब जाती है, माँ जिस गुरु जी को बहुत मानती थी उन्होंने कहा था कि आज अगर 9 बजे से पहले पूरा परिवार मिलकर पूजा नहीं करेगा तो हमारी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आ सकता है और माँ की भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब पिताजी भी मिल नहीं रहे हैं हमें। तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती, तुम पूरे परिवार की नींव हो आभा, तुम हिम्मत नहीं हार सकती। हाँ करेंगे और माँ की इच्छा पूरी करेंगे।